इवनिंग वसलम ये थी मेरी उसी दिन की शाम की वीडियो थी शाम के पाँच बज गए थे और इनका नेप फिनिश हो चुका था मतलब ये दोपहर को तो सो गए थे दोनों बच्चे और ये भी शाम को उठे और मुझे नहीं पता कि शाम को बच्चे उठ के क्यों रोते हैं क्या इनकी साइकी है और सोते अपनी मर्जी से फिर उठते हैं तो वै वार्ट कर देते हैं हाँ ये सब बच्चे करते होंगे और यहाँ पर भी सुफियान भी उठ गया था फिर सुफियान को उसकी स्टडी का टाइम हो चुका था तो उसको यहाँ पे उसका होमवर्क मिला था साउंड्स का फोनिक साउंड्स का तो चूँकि सो को सारा पहले से ही आता मैंने पहले से उसको ट्रेन किया हुआ था वो उसको मैं होम ट्यूशन भेजती थी जिस जिससे वो काफ़ी ट्रेन हो चुका था तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती इसकी टीचर इसको जो डे दे, देती हैं उसको लिखना भी आता है और सारे साउंड्स भी आते हैं तो आज उसको कैपिटल सॉरी uh, उसको एस का लेटर मिला था उसका साउंड उसको क्रिएट करना था उसको सारा, सारा आता था तो जल्दी जल जल्दी हमारा ये होमवर्क भी फिनिश हो चुका था और इस, इनके बाबा भी आ चुके थे शाम को फिर जी शाम की रूटीन थी मे भी कुछ लोगों को ये वीडियोस मेरी नहीं अच्छी लगेंगी थी क्या ये आप लोग के साथ शेयर हो जाती है रूटीन तो शुरू में सुफियान को जो है बहुत मुश्किल पेश आई थी ये सब चीज़ें करने में लिखने में लेकिन थ्री टू तो फोर मंथ्स में सुफियान ट्रेन हो चुका था यहाँ पे शाम के छः साढ़े छः हो गए थे और सुफियान को मस्ती सोच गई थी कि जी वो डांस करेगा और वो एक मूव 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 यू बॉडी पे डांस कर रहा था और अब यहाँ पे खाने का टाइम हो चुका था मेरा तो दिल नहीं कर रहा था तो ना मैंने खाना बनाया था कुकिंग का मेरा नहीं मूड था तो मैंने क्या किया कि शाम शामी कबाब जो है मैंने दो फ्राई कर दिए थे इनके लिए शाम के लिए और दो मैंने इनके ऑफिस के लिए बना दिए थे और साथ में एक रोटी ही रोटी मैं इनको साथ इसलिए देती हूँ क्योंकि जिस एरिया में ये जाते हैं वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे आसपास में करीब में कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ से रोटी मिल सके तो मैं रोटी घर से ही देती हूँ तो जी ये मेरी वीडियो का सेकंड क्लिप है और पूरी वीडियो तो एक क्लिप में नहीं आ सकती इससे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी तो इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि मैं इस तरीके से अपलोड कर देती हूँ रोटी जो है मुझे पहले तो बिल्कुल भी नहीं आती थी फिर शादी के बाद जो है आया बनाना आई और जो भी मैंने ये आपको शो किया था इतना ही अजीब सा था मुरबा गाजर का खा के थी तबीयत हैवी होगी कि उसके बाद मैंने कुछ खाया ही नहीं जी अब रोटी को आप सब जज करेंगे कि जी विंगी जी भी रोटी ये बनाती है तो खैर कोई बात नहीं खानी तो है ना अंदर जाके कौन सी गोल हो जाती है तो जी जैसे मुझे आती थी रोटी मैंने बना दी क्यों मैंने आपको बताया कि शादी के बाद ही मैंने दूसरी लड़कियों की तरह काम स्टार्ट किया तो जैसे मुझे रोटी आती थी वही मैंने डाल दी लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रोटी फिर भी इतना नक्शा नहीं बनता काबले खा सकते हैं काबिल तारीफ भी हो सकती है जी तो पहले शादी से पहले तवे को हाथ लगाते हुए डर लगता था अब तो रोटी को जैसे मर्ज़ी पकड़ लो चाहे हाथ में पकड़ के ऊपर हवा में उछा लो अब तो बिल्कुल भी गर, उसका नहीं डर होता कि जी हाथ जल जाएगा यह क्या हो जाएगा रोटी मेरी पक चुकी थी कि वहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी थी कि जी सारा मेरा काम एक ही दफ़ा किचन का ख़त्म हो जाए क्लोज़ हो जाए क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है रेस्ट का तो जी कबाब भी मेरे हो चुके थे और मैंने जाके इनको कबाब और चाय दे दी कि जी अब आप कब कबाब और चाय खाएँ और फिर मैंने शाम के बर्तन वॉश किए और इसका जो नेक्स्ट क्लिप है मैं नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊँगी देखिए बैठे बिठाए जिसको खाना मिलता है उसके कितने दान निकलते हैं ना बैठे बिठाए खाना मिलता है शाम के पौने साथ हो चुके थे अब मुझे जाना था सुफियान का बैग लेने के लिए तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ तो देखिएगा मैं बैग लेने के लिए सुफियान का स्कूल बैग लेने के लिए जाना है